बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना का असल जिंदगी में विवादों से गहरा नाता है। कई बार विवादों में घिर चुकी हैं, इसके बावजूद वो किसी भी मामले में बोलने से नहीं डरती। आज हम कंगना के कुछ ऐसे विवादों के बारे में बताएंगे जिन्हें लेकर वो खूब सुर्खियों में बनी रही। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल के मंडी जिले में सूरजपुर में एक राजपूत परिवार में हुआ। कंगना ने फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में अपने शानदार अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इसी फिल्म से कंगना को फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेब्यू के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राजकुमार राव के साथ अपनी फिल्म जजमेंटल है क्या से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना की एक रिपोर्टर से बहस हो गई थी। इसी दौरान एक रिपोर्टर ने कंगना से सवाल किया जिस पर वो भड़क गई। कंगना ने रिपोर्टर का पक्ष सुने बगैर उन पर आरोप लगाया कि फिल्म मणिकर्णिका के खिलाफ इस रिपोर्टर ने घटिया बातें लिखी। यही नहीं, कंगना लगातार रिपोर्टर की आलोचना करती रही और अपने खिलाफ घटिया सोच रखने का आरोप भी लगाया। इसके बाद फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रिलीज से पहले करणी सेना की तरफ से कंगना को धमकी मिली थी, लेकिन कंगना ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था, मैं राजपूत हूँ और अगर मुझे किसी ने परेशान करना बंद नहीं किया तो एक एक को बर्बाद कर दूंगी। कंगना के कड़े तेवर देखने के बाद करणी सेना बैकफुट पे आ गई और उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ गया कि उन्हें फिल्म की रिलीज से कोई समस्या नहीं है। 16 साल की कंगना रनौत ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया तब उनका अपने से उम्र में काफी बड़े आदित्य पंचोली के साथ 5 साल तक लिंकअप रहा, लेकिन इस दौरान कंगना ने आदित्य पंचोली पे आरोप लगा दिए कि उन्होंने कंगना को घर में बंद करके रखा, उन्हें मारा पीटा। इसके खिलाफ कंगना ने FIR लिखवाई थी और आदित्य पंचोली पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप भी लगाया। इस मामले पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। वहीं कंगना और ऋतिक की डेट की खबरों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। इनके बीच विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक इंटरव्यू में कंगना ने ऋतिक को अपना सिली एक्स कह दिया। इस दौरान कंगना पर तरह तरह के आरोप, उन्हें मानसिक रूप से बीमार तक करार किया गया और लंबे वक्त के बाद जाकर मामला शांत हुआ। अपने समय से चर्चित एक्टर रहे शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ रिलेशनशिप को लेकर कहा कि कंगना उन पर काला जादू कर रही। हालांकि इन सब आरोपों को कंगना ने सिरे से खारिज कर दिया था। कंगना ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में उन्हें भाई भतीजावाद फैलाने का करार दिया। मी टू पर करण जौहर की तरफ से कुछ ना कहे जाने को लेकर भी कंगना ने उनकी खिंचाई की थी। करण जौहर के शो में नेपोटिज्म पे सवाल उठाने के बाद कंगना आलिया भट्ट पे भी कई बार खुलेआम निशाना करती नजर आई। इतना ही नहीं, कंगना ने आलिया को करण जौहर की कठपुतली तक बताया था। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में कंगना खुलकर बोलती नजर आई थी। इस बीच कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग छिड़ी, जिसके चलते BMC ने एक्ट्रेस के पाली हिल वाले ऑफिस पर सरप्राइज विजिट किया और काफी तोड़फोड़ की। BMC ने एक्ट्रेस के खिलाफ नोटिस भी जारी किया जिसे कंगना ने लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद BMC के लोग उस नोटिस को गेट पे चिपका कर चले गए थे। वहीं इस मामले पर कंगना ने सिर्फ BMC के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के खिलाफ भी कमेंट किए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही की थी। तो दोस्तों, कंगना के इन विवादों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।